जय दोस्तों, क्या हाल है। सितंबर मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्मार्टफोन अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। उस वीडियो में जितने भी मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताया था, टेक्नो फैंटम फ्लिप, ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप, वन प्लस ओपन, गूगल पिक्सल A3 जैसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए। नवंबर का महीना नजदीक है और नवंबर के महीने में अक्टूबर के मुकाबले कम स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। नवंबर के महीने में जितने भी फोन्स लॉन्च होने वाले, सारे फोन तगड़े स्पेक्स के साथ आने वाले हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन है रियलमी GT5 प्रो। इस फोन का डिस्प्ले साइज आपको 6.7 इंच कर्व AMOLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz होने वाला है। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेटेस्ट चिपसेट के साथ आएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 4000mAh का बैटरी के साथ 240W का चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है। रियलमी GT5 प्रो मिड नवंबर में लॉन्च होगा चाइना में। अक्टूबर के महीना में रियलमी GT5 लॉन्च हुआ था, जिसका रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। अभी तक आपको नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड फोन निकल कर आया Xiaomi 14 प्रो। इसका डिस्प्ले साइज आपको 6.7 इंच QHD AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने वाला है। यह फोन भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आएगा। रूमर्स निकल के आ रहा है Xiaomi 14 Pro आपको HyperOS के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि Xiaomi का नया OS है। 5000mAh का बैटरी और 120W का चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। Xiaomi 14 Pro नवंबर के पहले वीक में चाइना में लॉन्च होगा। थर्ड फोन निकल के आ रहा है IQ 12 और IQ 12 भी सबसे पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा। डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूं, 6.7 इंच QHD AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने वाला, और यह फोन भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आएगा। 5000mAh का बैटरी और 120W का चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। IQ 12 7 नवंबर को लॉन्च होगा। Redmi Note 13 सीरीज चाइना में लॉन्च हो गया है अक्टूबर के महीने में। Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus का डिस्प्ले साइज 6.67 इंच कर्व OLED डिस्प्ले होने वाला, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। दोनों फोन का डिस्प्ले साइज आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन Redmi Note 13 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले के जगह पे फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। दोनों फोन में आपको अलग अलग चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। Redmi Note 13 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट मिलेगा, वहीं Redmi Note 13 Pro Plus में आपको MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट मिलेगा। दोनों फोन का प्राइमरी कैमरा आपको सेमला देखने के लिए मिलेगा, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों फोन आपको बैटरी में भी डिफरेंस मिल जाता है। Redmi Note 13 में आपको 5100mAh का बैटरी और 67W का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, वहीं Redmi Note 13 Pro में आपको 5000mAh का बैटरी और 120W का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। Redmi Note 13 सीरीज इंडिया में मिड नवंबर या फिर लास्ट नवंबर लॉन्च होगा। Redmi Note 13 सीरीज का रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फोन है Redmi Note 13 का डिस्प्ले साइज आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, और इस फोन में भी आपको चिपसेट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। Redmi Note 13 में आपको MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। कैमरा के बारे में बात करूं तो 108MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 5000mAh का बैटरी और 33W का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है इस फोन में। यह फोन भी आपको मिड नवंबर या फिर लास्ट नवंबर में लॉन्च होगा Redmi Note 13 सीरीज के साथ ही। अब देखना चाहिए कि Redmi Note 13 सीरीज का कौन सा फोन मिड नवंबर और लास्ट नवंबर में लॉन्च होगा। अब बात करते हैं लास्ट फोन के बारे में, Poco X6 Pro। इस फोन का डिस्प्ले साइज आपको 6.67 इंच कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, और यह फोन आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ आने वाला है। 200MP का प्राइमरी कैमरा रहेगा और 16MP का फ्रंट कैमरा, 5000mAh का बैटरी और 120W का चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। Poco X6 भी आने वाला है। इस फोन का भी स्पेक्स आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगा, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि Poco X6 में आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा और Poco X6 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाला है। सेकंड डिफरेंस आपको बैटरी में देखने के लिए मिलेगा, 5100mAh का बैटरी और 67W का चार्जिंग आपको Poco X6 में मिलेगा। दोनों फोन लास्ट नवंबर में लॉन्च होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप किस फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।